नमस्कार, स्वागत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर में। बिहार में जातीय जनगणना के मुद्दों पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव आमने सामने आ गए हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी का बातों को नज़रअंदाज कर नीतीश कुमार ने बड़े फैसले को लेने का निर्णय ले लिया है। बिहार में जातीय जनगणना राज्य सरकार अपने स्तर पर और अपने खर्चों से कराना चाहती है। यही बातें अब केंद्र की भाजपा की सरकार को ठीक लगती हुई दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन इसके बावजूद भाजपा सब कुछ जानते बूझते हुए भी जहां नीतीश कुमार की कुर्सियों को अपने पास से जाने देना नहीं चाहती है। देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से भाजपा के अंदर नीतीश कुमार का एक कद है या फिर एनडीए के अंदर नीतीश कुमार का एक कद है, वो एनडीए में उस वक्त तक रह जाता है जब नीतीश कुमार अपने आप से इस बात का सवाल करेंगे कि भाजपा ने जो मना किया उस काम को वो खुद करने जा रहे हैं। जातीय जनगणना के मुद्दों पर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम रहे और आपको बता दें कि नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी रहे, आज सुशील कुमार मोदी ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में जातीय जनगणना कराई जानी चाहिए, लेकिन अगर केंद्र सरकार इसे नज़रअंदाज कर रही है या नहीं करा रही है, तो इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि किसी कारणवश ऐसी चीज़ों को किया जा रहा हो। तो जातीय जनगणना के मुद्दों पर नीतीश कुमार और प्रदेश के तेजस्वी यादव जो है वो एक साथ आ चुके हैं और दोनों नेताओं की बातचीत बन चुकी है। दोनों नेताओं ने एक साथ आने और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी को बड़े तौर पर झटका देने का निर्णय ले लिया है। इन्हीं सभी कारणों के बीच में जातीय जनगणना का मुद्दा काफ़ी सुर्खियों में रहा है और लगातार एक के बाद एक कई बड़े और महत्वपूर्ण एक्शन भी लिया गया है। दोस्तों, बने रहें आप हमारे साथ। ITT News को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।